हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सेवेंथ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर थर्टीन मोशन एंड टाइम तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था अपने ये पढ़ा था कि कुछ चीजें कुछ वस्तुएं जब कहीं नहीं हिल रही होती तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे होती हैं और कुछ जो हिल रही होती हैं हम बोलते हैं कि वो मूवमेंट में है तो एक चीज जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो एक तो उसकी पोजिशन चेंज होती है दूसरा टाइम भी लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेकिन अगर टाइम और पोजिशन में चेंज ना हो तो हम ये बोलते हैं कि वो चीज रेस्ट में है तो अगर टाइम और जो आसपास की चीजें हैं सराउंडिंग जिसे हम बोलते हैं उसमें चेंज हो तो हम ये बोलते हैं कि वो चीज मोशन में है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह गई है अब ये जो मोशन होता है मूवमेंट होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है एक होती है लीनियर जो सीधी लाइन में होती है एक होती है सर्कुलर जिसे हम बोलते हैं सर्कल में होने वाली मोशन और एक होती है पीरियोडिकलरी मोशन पीरियोडिक ऑसिलरी मोशन में आपने देखा होगा पेंडुलम ऐसे करके उसको फेंको तो वापस उतने ही पेस पीरियोडिक पे पे होता है और में हम इसके बारे में करेंगे इस चैप्टर में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बता देते हैं आपको लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन वाली सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में और ऑसिलरी मोशन जो एक जगह से ऐसे टू एंड फ्रो मूव करे मतलब ये उसका मेन पॉइंट है। अगर आप एक धागा लटका देंगे ऐसे करके और उसके नीचे बॉल लटका देंगे, उसको धक्का मारेंगे तो वो ऐसे टू और फ्रो पोजिशन में मूव करेगी ये जो स्ट्रेट लटकाई हुई चीज है जो स्टेशनरी है अभी हिल नहीं रही उस पोजिशन को हम उसकी मीन पोजिशन बोलते हैं मतलब ऐसे अगर आप कुछ लटका देंगे तो वो ऐसे करके उसकी मीन पोजिशन होगी ऐसे ऐसे हिल रही है तो वो टू और फ्रो होती है तो आपने बहुत सारी चीजों को स्पीड के अनुसार मोशन में आते देखा होगा कुछ चीजें तेज मोशन में आती हैं, कुछ जो हैं स्लो मूव करती है तो उनकी मोशन जो है वो स्लो होती है जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ जानवर जो हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं तो उनकी मोशन ज्यादा तेज होती है जैसे हम कह सकते हैं चीता उसकी स्पीड एक रेसिंग कार के बराबर होती है स्लो जाने वाली चीजें जैसे आप कह सकते हो स्नेल टॉर्टोइज़ बहुत धीरे धीरे जाते हैं तो अब क्लियर हो गया स्लो मोशन में क्या फर्क है स्लो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज धीरे धीरे चलती है यानी कि उसको ज्यादा टाइम लगता है एक डिस्टेंस कवर करने के लिए वही डिस्टेंस अगर फास्ट मोशन में हो तो कम टाइम लगेगा तो उसको हम फास्ट मोशन बोलते हैं यानी कम टाइम लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जैसे मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो आप जल्दी जाओगे ट्रैफिक पे डिपेंड करते हुए तो मोटरसाइकिल ज्यादा तेज चलता है एज कंपेयर अगर उसकी तुलना की जाए साइकिल से वैसे ही एरोप्लेन और मोटरसाइकिल की अगर तुलना की जाए तो एरोप्लेन मोटरसाइकिल से भी तेज चलता है सड़क पे अगर हम बात करें तो हम आसानी से किसी भी हिलते हुई चीज का स्पीड देख सकते हैं कि वो तेज जा रहा है या स्लो जा रहा है मतलब आप एक बार उसकी तरफ देखेंगे फिर वो आपको आगे जाके मिलेगा तो आप बोलेंगे अरे इस कार की स्पीड मेरी कार की स्पीड से तो ज्यादा है इसने जल्दी कवर कर लिया डिस्टेंस तो कुछ चीजें तेज चलती हैं कुछ स्लो वो मोशन के ऊपर आ जाता है अब जो डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में उसे हम उसकी स्पीड बोलते हैं जैसे जब आप रेस लगाते हो तो जो सबसे तेज दौड़ रहा होता है उसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना उसने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया तो हम ये बोल सकते हैं अरे इसकी स्पीड इतनी है तो स्पीड आप माप सकते हैं अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास टाइम भी है तो ये तीन चीजें हैं एस टी डी अब इसको आप ऐसे ही याद करो एस मल्टीप्लाइड बाई टी क्या देता है आपको डिस्टेंस तो यहां आप देख सकते हो एस मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस टी डी जहां से फोन कॉल करते थे इंटरनेशनल मैंने वैसे ही याद किया है वैसे ही स्पीड आप कैसे नाप सकते हो डिस्टेंस ये जो t इस साइड था ये नीचे चला जाएगा d के तो ये बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्योंकि equal to के इस साइड में था दूसरी साइड जाके नीचे डिविजन में चला जाता है तो ये है स्पीड के बारे में जो हम माप सकते हैं कितना डिस्टेंस है कितना टाइम है, है उस हिसाब से जो स्पीड है वो मापी जा सकती है अब मान लीजिए तीन व्हीकल्स हैं, एक आपके पास साइकिल है एक आपके पास मोटरसाइकिल है और एक आपके पास एरोप्लेन है तो जो साइकिल है वो आठ किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है एक घंटे में मोटरसाइकिल घंटे में चालीस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एरोप्लेन एक घंटे में बारह सौ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो हमें ये प्रूव हो जाता है इससे कि बारह किलोमीटर जो कवर कर रहा है डिस्टेंस एक घंटे में उसकी स्पीड ज्यादा होगी अब हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक घंटे में उसकी 1200 ही स्पीड रहेगी ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एरोप्लेन जब टेकऑफ करता है जब उड़ना शुरू करता है या लैंड करता है स्पीड थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन ओवरऑल स्पीड भी जो एरोप्लेन की रहती है वो मोर और लेस 1200 किलोमीटर ही रहती है तो जनरली जब एरोप्लेन जाता है ऊपर तो स्पीड आप कह सकते हैं कम हो सकती है कुछ देर बाद एकदम से तेज हो सकती है लेकिन जो एरोप्लेन एक घंटे में कवर करता है डिस्टेंस कम या ज्यादा स्पीड की वजह से वो 1200 किलोमीटर निकल कर आता है कई बार कम कई बार ज्यादा तो हम ये कहते हैं कि जो एवरेज स्पीड है हमेशा नहीं वो रहेगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी जो एवरेज स्पीड है अंदाजन स्पीड आप जो लगाते हैं वो होती है 1200 किलोमीटर पर आवर इस केस में तो अब स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा टोटल डिस्टेंस कितना है डी से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा उससे आप स्पीड निकाल सकते हैं अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और आपके पास स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टी डी मतलब स्पीड टी मतलब टाइम मतलब टेकन कितना समय लगा बस उल्टा सीधा करना है और आपके पास कोई भी चीज निकल के आ सकती है स्पीड डिस्टेंस अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड आप ये ट्रायंगल याद कर लीजिए एस और टी को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस आता है डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं स्पीड से और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से क्लियर हो गया डी ऊपर ही है ना बस वो समझ लेना कैसे होता है अब आप समझ सकते हैं इस ट्राइंगल के जरिए अब समझते हैं क्या इनके यूनिट्स होते हैं जी हाँ बहुत जरूरी है अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते तो आपके नंबर कटते हैं सबसे पहले जो एस आई यूनिट है देखो यूनिट ज्यादातर एस आई यूनिट में होते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड यूनिट है मतलब हर देश के अलग अलग नहीं होते पूरी दुनिया ने जो एक्सेप्ट किए हुए हैं वो एस आई यूनिट बोलते हैं उनको एस SI आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो आप ये याद रखना एस SI आई को क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो एस SI आई के हिसाब से जो डिस्टेंस का यूनिट है वो है मीटर में जो आपका टाइम का यूनिट है वो है सेकेंड्स के अंदर तो अगर हमें स्पीड निकालनी है वो क्या होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं डिवाइडेड बाय टाइम को हम सेकेंड्स में लेते हैं तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड जब डिविजन आ जाए तो हम ऐसे करके स्लैश लगा देते हैं उसका मतलब होता है पर या आप लिख सकते हैं एम एस ऊपर एस के माइनस वन क्योंकि वो नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया है तो ऊपर माइनस वन लग जाता है बात समझ में आ गई अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर छोटा डिस्टेंस है तो मीटर पर सेकंड हो गया लेकिन अगर टाइम ज्यादा है डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसा यूनिट नहीं और भी यूनिट्स होते हैं जैसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस के लिए किलोमीटर्स माइल्स वैसे ही अगर हम बात करें टाइम में आ जाएगा आर्स तो बड़े यूनिट्स के लिए हम बोल सकते हैं स्पीड का किलोमीटर पर आर में क्लियर इजी अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक बंदा स्कूटर पे जा रहा है और उसने 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया 10 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी है पहली बात एसआई यूनिट में दिया हुआ है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना है 50 मीटर यूनिट के साथ लिखना डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड तो आंसर आ गया 50 को 10 से डिवाइड करोगे 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है मतलब एक सेकेंड में वो पांच मीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है एक और ट्राई करें चलो एक कार जा रही है स्पीड है उसकी ध्यान से स्पीड है 80 किलोमीटर पर आर आर में है टाइम जो लगता है वो है फिफ्टीन मिनट्स में एक आर में एक मिनट्स में एक को तो चेंज करना पड़ेगा मिनट्स वाले को आर में चेंज कर लेते हैं और हमें निकालना है कितना डिस्टेंस कवर किया देखिए सिंपल चीज पंद्रह मिनट को अपने आरस में चेंज करना है आपको पता है सिक्सटी मिनट्स का वन आर होता है तो पंद्रह मिनट में कितने होंगे डिवाइडेड ये आप कह सकते हैं फिफ्टीन डिवाइडेड बाई गया एक चौथाही घंटा आवर्स अब डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्पीड कितनी है एट्टी किलोमीटर पर आर में मल्टीप्लाई कर दो वन बाई फोर आर के साथ तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने क्लियर अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मतलब बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर किया जाता है बराबर टाइम मतलब सेम इंटरवल में 10 10 मिनट में बराबर डिस्टेंस कवर किया नॉन यूनिफॉर्म में 10 10 मिनट में कभी पांच किलोमीटर कभी बीस किलोमीटर कभी तीस किलोमीटर क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्ट्स जो सीधी लाइन में जा रहे होते हैं कांस्टेंट स्पीड होती है बराबर स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड कभी कम है कभी ज्यादा है फिर कम फिर ज्यादा ज्यादा कम ज्यादा 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 हम ये बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है बहुत कम उदाहरण होते हैं हमारी जिंदगी में जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चीजें जा रही होती है कभी आप एक्टिवा की स्पीड तेज करते हैं कभी कम करते हैं कभी तेज कभी कम होता है है ना ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है तो आपको मैं तीन उदाहरण देती हूँ जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रही है बिल्कुल बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है जैसे हमारा अगर हम क्लॉक की तरफ देखें तो जो उसका आर हैंड है वो बराबर टाइम पे यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है अगर हम अर्थ की बात करें जो सन के आसपास घूम रही है चौबीस घंटे में सेम स्पीड पे जा रही है तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन है चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती हूँ कि रोटेशन की जो स्पीड है अर्थ की वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है जैसे आप पोल्स की तरफ को जाते हैं वो कम होती जाती है बुक में नहीं दिया तो आप देख सकते हैं इक्वेटर के आसपास जो स्पीड है वो है वन सिक्स फाइव जीरो किलोमीटर लगभग पंद्रह सौ किलोमीटर पर घंटा आप ऊपर की तरफ को जाएंगे आप ये कह सकते हैं कम से कम सौ किलोमीटर कम हो रही है पर घंटा फिर और ऊपर जाएंगे वन टू सेवन फाइव किलोमीटर पर आर फिर एट थर्टी किलोमीटर पर आर फिर पोल्स पे जाते जाते क्योंकि पोल ही एक पॉइंट ही है वो हो गई जीरो किलोमीटर पर आर तो ये याद रखना हालांकि मैंने आपको उदाहरण ये दिया है कि अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वो एक यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी इक्वेटर पे और पोल्स पे इसकी स्पीड अलग अलग होती है अच्छा तीसरा एग्जाम्पल हो गया पेंडुलम का आपने कभी वॉल क्लॉक के अंदर देखा होगा ऐसे करके एक साइड से दूसरी साइड जाता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है स्पीड के फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ लिया सबके ऐसा यूनिट पढ़ लिए बट ये टाइम जो हम मेजर करते हैं देखते हैं घड़ियों में मोबाइल फोन के अंदर क्या पहले के समय से ऐसे ही देखते थे बिल्कुल भी नहीं देखिए हर चीज जो हम करते हैं उसके लिए हमें टाइम देखना पड़ता है किस समय उठ रहे हैं खा रहे हैं स्कूल किस समय जा रहे हैं काम के लिए कब जा रहे हैं सोने कब जा रहे हैं पूरा अपना दिन का जो स्केड्यूल है वो बनाने के लिए समय तो सही चाहिए ना कि कितना टाइम हुआ है आज की डेट में हम वॉल क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं टेबल क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल क्लॉक हो गई वॉचेस हो गई जो रिस्ट पे बांधते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है समय देखने के लिए लेकिन पुरातन समय में एंशियंट टाइम में लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था वो कुदरत का इस्तेमाल करते थे सही समय पता लगाने के लिए जैसे अर्थ जो है जो सन के आसपास घूमती है उसको पूरा एक साल लग जाता है अर्थ को पूरा एक चक्कर घूमने के लिए रोटेट करने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं अपने एक्सिस पे घूमने के लिए तो हमारे जो पूर्वज थे वो सितारों की मूवमेंट या धरती की मूवमेंट से टाइम पता लगा लेते थे या वो डिपेंड करते थे कि जब सूरज उगता है और फिर जब दोबारा सूरज उगता है वो हो गया एक दिन जब न्यू मून आता है और फिर दोबारा न्यू मून आता है वो हो गया वन लूनर मंथ जब जो टाइम है अर्थ पूरा लेती है एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए सन के आसपास वो हो गया वन सोलर ईयर जिसे हम एक साल बोलते हैं ये तो ठीक था लंबा टाइम मापने के लिए लेकिन छोटा टाइम मापने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती थी तो इसीलिए बहुत सारी चीजें बनाई गई जैसे आप कह सकते हैं सन डायल आप देख सकते हैं दिल्ली में भी है जयपुर में भी है जिससे शेडो देख के टाइम बताया जाता था सैंड क्लॉक वॉटर क्लॉक इस्तेमाल की जाती थी इसके बारे में मैं आपको डायग्राम्स के जरिए समझाऊंगी और ये आज भी मौजूद है अलग अलग हिस्सों में दुनिया के एक बार देख लेते हैं सन डायल क्या होता है आप देखेंगे काफी ऐसी जगहों पे शेडोज के जरिए टाइम देखा जाता है मापा जाता है क्योंकि सन की पोजीशन पता चल जाती है शेडो के हिसाब से परछाई के हिसाब से सुबह अलग परछाई होती है दोपहर के टाइम अलग शाम के टाइम अलग तो कई बार बहुत बड़े बड़े ऐसे सन डायल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जैसे जंतर मंतर दिल्ली में जो जयपुर में है वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल है राजस्थान के अंदर आ, दूसरी चीज जो इस्तेमाल की जाती है वो है सैंड क्लॉक ये आपने देखा होगा एक आर ग्लास का काम करता है एक घंटा मापने के लिए सैंड एक बल्ब से नीचे के बल्ब तक जाता है वो हो गया सैंड क्लॉक टाइम भी दिया जाता है ना ऐसे क्रिमिनल्स के द्वारा वो जो मूवीज में दिखाते हैं कि इतना टाइम है फिर हो गया वॉटर क्लॉक उसमें क्या होता है अलग अलग लेवल्स पे पानी भरा जाता है और ड्रिप ड्रिप करके बूंद बूंद करके नीचे का जो बर्तन है वो भरना होता है पानी के साथ उस हिसाब से टाइम मापा जाता है अब ये जो पुरातन समय में टाइम मापा जाता था बहुत छोटे इंटरवल जैसे मिनट और सेकंड मापने में दिक्कत आ जाती थी तो इसीलिए आजकल के जो मॉडर्न क्लॉक हैं जो घड़ियां हैं वो से भी छोटा टाइम मिली सेकेंड आपको बता देते हैं हैं और ये किस पे चलते हैं जो आजकल के क्लॉक हैं, वॉचेस हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलते हैं पीरियोडिक मोशन पे कि एक पीरियड के बाद ऐसे मोशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो मोशन जो अपने आप को रिपीट करती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसे हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं जैसे आपने वो खिलौना देखा है जो ऐसे 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 अपनी गर्दन हिलाता है या आपने देखा होगा कार के ऊपर आगे ऐसे ऐसे करके डांस करती हुई शो पीस रखे जाते हैं मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो अपनी गर्दन हिलाते हैं और डांस करते हैं ऐसे, ऐसे 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 ठीक है एक सेकेंड हो दो सेकेंड हो वापिस आनी आनी है वो एक उदाहरण है पीरियॉडिक मोशन का सबको क्लियर हो गया तो आजकल के क्लॉक्स जो एक्यूरेट बिल्कुल सही टाइम बताते हैं वो पीरियोडिक मोशन पे होते हैं आधारित और वैसे ही सिंपल uh, जो पेंडुलम है वो भी पीरियोडिक मोशन पे ही आधारित होता है मैं बता देती हूँ सिंपल पेंडुलम क्या होता है एक बहुत भारी चीज मास एक थ्रेड के साथ लटकाया जाता है और ऊपर सपोर्ट दी जाती है तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है जहां पर इसको लटकाया गया ऐसे करके वो ओ है ठीक है नीचे ऐसे करके एक मास है एक तरीके का हैवी स्ट्रक्चर अब वो ऐसे ऐसे करके हिलेगा टू एंड फ्रो अपनी से ये उसकी है सेंटर में जब वो रिलैक्स्ड है वो ऐसे ऐसे करके हिलेगा इलास्टिक थ्रेड के साथ लगा हुआ और वो ऐसे ऐसे करके हिलता है आपने देखा होगा आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं रेस्ट पोजिशन मेन पोजिशन होती है टू एंड फ्रो जब वो हिलता है उसे हम पीरियोडिक या हम कहते हैं ऑसिलरी मोशन तो अब ये मोशन एक सर्कल जो होता है ये कितना होता है वन ऑसिलेशन कितना होता है सेंटर से मान लीजिए ये सेंटर है सेंटर से इस पॉइंट तक जाके एक एंड तक जाके दूसरे एंड तक जाके वापस जब ये आता है मतलब दोनों एंड टच करके वापस जब ये आता है उसे हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं बेशक वो पहले इस साइड जाए ऐसे करके फिर इधर जाए और फिर वापस आए या फिर पहले वो इधर जाए सेंटर से होता हुआ इधर जाए और फिर वापस आए उसे भी वन ऑसिलेशन बोलते हैं बेसिकली वापस आना होता है उसे उस पॉइंट तक दोनों पॉइंट्स को एक्सट्रीम एंड्स को टच करके उसे हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं और जितना वो टाइम लेता है एक ऑसिलेशन पूरा करने को उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सिंपल इजी अब आप सोच होंगे कि ये टाइम पीरियड कैसे मापा जा सकता है सिंपल एक काम करते हैं पेंडुलम को छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है आप एक बना लो ऐसे करके पेंडुलम स्टॉप वॉच ले लो और देखो कि वो ऑसिलेट करता रहता है ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए उसने बीस बार ऐसे करके हिला वो ऑसिलेट किया और वो जो बीस बार ऐसे करके ऑसिलेट किया वो हुआ आप कह सकते हैं एक मिनट के अंदर तो आपने क्या करना है जो टेबल दिया है वो उसको पूरा करना है सबसे पहले आपने देखना है कि कितना टाइम लगा पीस ऑसिलेशन को होने में उसको डिवाइड करना है जितना टाइम लगा उसको डिवाइड करना है ट्वेंटी के साथ जितनी ऑसिलेशन हुई वो आपको रिजल्ट देगा कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा जिसे हम टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं अब कितनी ऑसिलेशन हुई एक यूनिट टाइम के अंदर ऐसे करके कितनी ऑसिलेशन हुई उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो कि हर्ड्स में मापी जाती है एक हो गया टाइम पीरियड कितना टाइम लगा और कितनी ऑसुलेशन हुई एक यूनिट टाइम में उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो हर्ड्स में मापी जाती है आप ऐसे करके अलग अलग पेंडुलम लेके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी माप सकते हैं तो चलिए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है एक बार रिकैप हो जाएगा कि स्पीड कैसे मापी जाती है स्पीड मापी जाती है हमने सिक्स में भी पढ़ा था डिस्टेंस लेकर उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो अभी भी हमने यही पढ़ा है क्लॉक यूज कर लो वॉच यूज कर लो उसको टाइम को नोट करने के लिए तो आप स्पीड माप सकते हो जैसे मान लीजिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी वैसे दी हुई है कि एक बॉल ले लीजिए ठीक है और जहां पे बॉल रखी हुई है उसे पॉइंट ओ डिक्लेयर कर दीजिए उससे पांच मीटर दूर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ये बॉल है ओ पॉइंट उससे पांच मीटर दूर आप एक ए बी करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे करके ठीक है अब आपने क्या करना है जो बॉल है उसे धक्का मारना है और वो ए बी लाइन को क्रॉस करेगी टाइम नोट कर लो उसमें कितना टाइम लगा यहां से बॉल को ए बी लाइन क्रॉस करने के लिए मान लीजिए जो डिस्टेंस था ये था पांच मीटर का और जो टाइम लगा उसको वो लगा दस सेकेंड तो क्या हम बोल सकते हैं स्पीड क्या हो गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस कितना था पांच मीटर टाइम कितना था दस सेकेंड लगा तो हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड बॉल की स्पीड थी ये आसान है ध्यान रखिएगा कि अगर आर में है तो आप आर्स में आंसर दें और सब यूनिट आर्स में ही हो अगर कुछ मिनट में है तो उसे आर्स में बदल लीजिएगा अब आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग स्पीड है फैल्कन सबसे तेज बर्ड मानी जाती है फास्टेस्ट एनिमल माना जाता है जो फ्लाई करता है थ्री नाइनटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से और सबसे स्लोएस्ट जो है वो है स्नेल बाकी भी स्पीड दी गई है चीता रैबेट ह्यूमन स्प्रिंटर, स्क्विरल, माउस ह्यूमन वॉक इंसान कितनी स्पीड से चल सकता है टोटो की वैसे ही अलग अलग व्हीकल्स की स्पीड दी है बाइसिकल की कितनी हो सकती है मोटरसाइकल कार एरोप्लेन स्पेस का जो रॉकेट है उसकी स्पीड सबसे तेज होगी अगर इन चार पांच में तुलना की जाए व्हीकल्स में और जो बाइसिकल है उसकी सबसे स्लो हो जाएगी अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पीड मैंने ऐसा कुछ देखा है बाइसिकल के ऊपर उसे क्या बोलते हैं देखिए एक स्पीड मापने के लिए बाइसिकल के ऊपर स्कूटर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर कार के भी डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देगा जो स्पीड बताता है किलोमीटर पर आर के अंदर वो जो नीडल होती है ना वो ऐसे करके बता देती है कितना रेंज है जिससे चलान भी होता है स्पीड के हिसाब से तो वो जो भी डायल पे नंबर्स लिखे होते हैं वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे डायल बोलते हैं वो ऐसे करके पॉइंट आउट कर देती है कि भाई साहब इतनी आपकी स्पीड है कृपया करके अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए अब अगर हमने मेजर करना होता है कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो भी पता लग जाता है खासतौर तो पे वो लोग जिनके पास एक्टिवा है तो मां बाप पहले ही डिस्टेंस माप लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है अब ये ट्यूशन पे जा रहा है तो आते हुए कितना डिस्टेंस होगा वो ओडोमीटर के जरिए पहले डिस्टेंस देख लेते हैं तो अगली बार जहां पे वो डिस्टेंस लिखा था ना किलोमीटर के अंदर उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं अब ध्यान रखना डिस्टेंस किससे मापा जाता है और स्पीड स्पीडोमीटर से क्लियर हो गया कई बार जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में भी दिखाई देती है कई बार डायल के ऊपर पॉइंट आउट करता हुआ एरो दिखाई देता है तो अब हमें पता लग गया कि स्पीड और हमारा जो डिस्टेंस है वो कैसे मापा जाता है अब एक बार ग्राफ में भी समझ लेते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है स्पीड की स्पीड का मतलब ये है कि डिस्टेंस और टाइम पता हो तो स्पीड मापी जाएगी अब स्पीड को आप अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बना सकते हैं चेंज हो रही है स्पीड कब जब डिस्टेंस और टाइम चेंज हो रहा है तो अलग अलग ग्राफ होते हैं जैसे आप देख सकते हैं लाइन वाला ग्राफ लाइन ग्राफ आज हम वो पढ़ेंगे बार बने होते हैं जिनके अंदर वो हो गया बार ग्राफ और जिसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बने होते हैं सर्कल की फॉर्म में या उसे बोलते हैं छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं जो क्वांटिटीज वैल्यूज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम पाई चार्ट बोलते हैं आज हम सिंपल लाइन चार्ट के साथ पढ़ेंगे स्पीड के बारे में तो एक लाइन चार्ट बना लेते हैं ऐसे करके जो लाइन है वो डिस्टेंस की ले लेते हैं और ऐसे करके जो एक्सिस है एक्स एक्सिस इसे बोलेंगे वाई एक्सिस ये आप डायग्राम में देख सकते हैं तो y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ले लो किलोमीटरस में और x एक्सिस के ऊपर टाइम ले लो आवर्स के अंदर और इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग लगा दो 1 2 3 मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर और डिस्टेंस भी ऐसे ही टेन किलोमीटर ट्वेंटी थर्टी बराबर यानी कि टेन के बाद फिफ्टीन लिख दिया फिर मर्जी आई ट्वेंटी फाइव बराबर मार्किंग लगाना जरूरी है जो बीच वाला पॉइंट है जहां से दोनों लाइंस जा रही हैं, वो हो गया ओ जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं इतनी बात क्लियर बराबर टाइम और बराबर ही यूनिट्स में आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए अब एक केस लेते हैं ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम इंटरवल टाइम में वो बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो आप यहाँ टेबल देख सकते हैं नाइन ए एम पे जीरो किलोमीटर स्टेशनरी है अभी हिला नहीं। दस मिनट बाद दस किलोमीटर फिर दस मिनट बाद नाइन ट्वेंटी पे फिर दस किलोमीटर बीस किलोमीटर हो गए ऐसे ऐसे करते करते वो हर दस मिनट में दस किलोमीटर आगे चल रहा है तो आप देख सकते हैं O point से शुरू हुआ है बुक में ओ पॉइंट की जगह थोड़ा आगे से उन्होंने शुरू किया है तो आप देख सकते हैं नाइन ए एम पे वो स्टेशनरी है क्योंकि वो 9 से चालू हुआ ना तो ओ से नहीं चालू किया नाइन ए एम पे जीरो है स्पीड नाइन टेन पे अगर आप दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे आपको दिखाई देगा वो टेन किलोमीटर कवर कर रहा है नाइन ट्वेंटी पे ट्वेंटी किलोमीटर मतलब दस और किलोमीटर कवर कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है दोनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे आपके पास स्पीड आ जाएगी लेकिन एक ग्राफ बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब ये टाइम इंटरवल सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है हर टाइम में आप ये ग्राफ देख सकते हैं चार्ट देखने के बाद कि जो ग्राफ है देखिए नौ बजे जीरो है उसकी स्पीड स्टेशनरी नाइन टेन तक जाते जाते उसकी जो स्पीड है वो पांच किलोमीटर 920 पे 20 km, 930 पे किलोमीटर, किलोमीटर। अगर आप डॉट्स ज्वाइन करेंगे एक सीधी लाइन नहीं है, वैसे भी टेढ़ी टेढ़ी सी लाइन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गई हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सीधा लाइन नहीं है टेढ़ी टेढ़ी लाइन है अब जो चीज स्टेशनरी है, उसका ग्राफ क्या होगा जो रही तो मतलब नौ बजे भी वो तीस किलोमीटर पे है नाइन टेन पे भी तीस किलोमीटर पे है नाइन ट्वेंटी पे भी तीस किलोमीटर पे है तो एक सीधी लाइन आ जाएगी टाइम बढ़ रहा है पर जो डिस्टेंस है वो तीस किलोमीटर का ही है तो आप ये देख सकते हैं कोई स्लोप नहीं करेक्ट तो अब आपको पता चल गया स्टेशनरी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे बनाना है एक एक्सिस पे डिस्टेंस ले लो और एक एक्सिस पे टाइम ले लो पर दोनों बराबर यूनिट्स पे होने चाहिए मतलब दस मिनट का फर्क है टाइम में तो दस मिनट का ही रहेगा डिस्टेंस में दस मिनट का फर्क है तो आप जब बनाएंगे तो दस दस का इंटरवल ही लेना ये थी आज की क्लास तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा पर जाने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ पहला क्वेश्चन ये स्पीड और डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा क्वेश्चन ये कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है और फ्रीक्वेंसी होता भी क्या है तो ये थी आज की क्लास अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय